वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। ये देखिए मैं आज फुलबर लाई हूँ, फुलबर का सब्ज़ी बनाई हूँ। 250 ग्राम फुलबर लाई हूँ, 2 बटाटा ली हूँ और 2 टमाटर ली हूँ। चलिए इस वीडियो को चटपटा कैसे बनाएंगे अंत तक मेरे साथ बनी रहिए। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा टाइम मिलेगा तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो फुलवर को बनाने के लिए 250 ग्राम फुलवर लाए हूँ, उसको काट लेते हैं बटाटा के साथ। ये देखिए दोस्तों फुलवर ऐसे साइज करके काटी हूँ, थोड़ा लम लम करके, और ये चौकोर काटी हूँ बटाटा। और ये जो कौला कौला रहता है ना इसका डंठल, इसको हम फेंके नहीं, 3 से 4 था तो इसको हम इसको भी तोड़ के इसको मिक्स करके बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम ये देखिए फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल दे दी हूँ, तो फ्लोवर को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे देंगे, थोड़ा सा नमक। ये देखिए फ्लोवर फ्राई हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। फ्राई करने से क्या है उसको जो थोड़ा सा खुशबू उसका अलग ही आता है ना, इसके वजह से थोड़ा फ्राई करने से वो नहीं आता है, स्मेल थोड़ा आता है हमें फुलवर का। उसी ऑयल में बटाटा थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बटाटा के भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। उसी ऑयल में थोड़ा सा और 1 चम्मच तेल दे दिए, उसका गर्म होने देते हैं। पहले गर्म हो गया, थोड़ा सा जीरा दे देते हैं, 3 तेज़पत्ता, 1 करी पत्ता दे दिए, 2 सूखा मिर्च, कटा हुआ हरी मिर्च। ये मसाला पीस लिए हूँ, आप लोग को दिखाई नहीं। ये 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ये सूखा मिर्च पाउडर मिक्स कर दी हूँ, और अदरक 1/2 इंच का टुकड़ा है डाल देते हैं। थोड़ा सा तीखी मिर्च पाउडर दे देते हैं, उसमें हल्दी वगैरह मैं ऐड कर दी हूँ। तो पीसा हुआ मसाला का आपको वीडियो दिखाई नहीं, आप जब भी ऐसा बनाइएगा मसाला पीस लीजिएगा, या तो आप पैकेट वाला मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी वगैरह देंगे नहीं, हल्दी में दे दी थी पीसने का टाइम 1 चम्मच। अभी जो टमाटर है उसको दे देंगे, क्योंकि 2 से 1.5 मिनट तक पका लिए टमाटर को। अभी जो डंठल है उसको दे देते हैं, इसको 1.5 से 2 मिनट तक इसको भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए टमाटर और डंठल अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करके पका ली हूँ। अभी इसमें जो फ्राई करके रखी फुलवर और बटाटा को मिक्स कर लेते हैं। इसको 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेते हैं। स्वाद अनुसार के लिए नमक थोड़ा दे देते हैं, मैं फुलवर में पहले नहीं आया था, नमक थोड़ा कम देंगे। हल्का थोड़ा रसा बनाने के लिए हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। पानी पीने के गिलास में 2 गिलास लगभग देंगे, और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से उबालने देते हैं। ये देखिए हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। इसमें स्वाद अनुसार के लिए थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और हरा धनिया। सब्जी हो गया है, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए आलू फुलवर का सब्जी होकर रेडी हो गया है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, घर में खाने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।